नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। डिवाइडर से टकराने से गौवंश से भरे एक ट्रक में आग लगी, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में शनिवार सुबह गौवंश से भरे एक ट्रक में आग लग गई, उस समय जिसमें कई गौवंश झुलस भी चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गौ तस्कर से संबंधित इस ट्रक में लगभग 36 से ज्यादा गौवंश भरे हुए थे। बता दें कि हनुमानगढ़ रोड पर आ रहे इस ट्रक का पुलिस ने और ग्रामीणों ने पीछा किया, तभी विद्यालय के आगे से निकलते समय वह डिवाइडर से टकरा गया और उसने अपना नियंत्रण खो दिया। डिवाइडर से टकराने के बाद में ट्रक में भयंकर आग लग गई और ट्रक का केबिन पूरी तरह से जल उठा। ट्रक के जलने के बाद मौके पर लोगों ने इस ट्रक के पीछे का दरवाजा खोल करके गौवंश को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वही सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का जोर प्रयास किया। वहीं बताया जा रहा है कि यह ट्रक के जरिए गौवंश तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे और अपने आसपास के ग्रामीणों से वे सांड इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें आगे लेकर के जाना था। पंजाब के बजरंग दल हिंदुस्तान और पंजाब पुलिस के जवान भी पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मौके पर लोगों ने ट्रक संचालक को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया। आप देख रहे हैं पल पल से विनोद स्वामी की विशेष रिपोर्ट। नहीं नहीं, ये रॉन्ग साइड में भीड़ है, भिड़ने की वजह से आग लगी है। ये डिवाइडर है ना, यहाँ पे डिवाइडर में भीड़ है ना, देखो पशु भरे हुए हैं। हाँ, चलते चलते यूँ भीड़ है, या तो इसके पीछे कोई लगे होंगे, जल्दबाजी में इसने भिड़ा दी। और वो उतारे भी तो सीधा कैसे कूदेंगे भी नहीं। वो गिर गया, एक आ गया